मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, धर्म मिटाना ना सीखो। मिटा सको तो दुनिया में तो अपने अपने नहीं है। भाई भी भाई से प्रेम तब तक करेगा जब तक भाई के हाथ में पैसा और शरीर में ताकत है। संसार में आने के बाद में हमारा कर्तव्य है कि किसी को सताए ना, बेमतलब में किसी की बुराई ना करे, क्योंकि कहते हैं ना कि बुराई करने वाले लोग जो होते हैं अगले जन्म में मनुष्य का शरीर धारण करने के लिए नहीं मिलता। सबसे बड़ी भक्ति तो यही है कि आप अपने मुख से किसी के लिए बुरा भला ना कहें। सबसे बड़ी भक्ति यही है। और यहाँ तक है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी धर्म करो, जितना हो सके उतना अधर्म टालने की कोशिश करो। अभी आप लोग बड़ी ही सुंदर कथा को श्रवण कर रहे थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधकारी, पुत्र पैदा हुआ है तो अत्याचारी पैदा हो गया। माँ बाप को तब कष्ट नहीं होता जब उन्हें खाने के लिए एक दो दिन भोजन न मिले। माँ बाप को कष्ट तब नहीं होगा जब फटे हुए कपड़े पहने। माँ बाप को कष्ट तब नहीं होगा जब पैरों में जूते और चप्पल ना हो। लेकिन माँ बाप को सबसे ज्यादा कष्ट तब होता है जब औलाद बिगड़ जाती है। जब औलाद
अपने मन का करने लगती है तो माँ बाप बहुत ही पछताने लगते हैं, क्योंकि एक कवि लिखता है कि तू बदला 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले, और बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। औलाद बदल जाती है लेकिन माँ बाप के विचार कभी नहीं बदलते हैं। लेकिन गौकर्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा का उच्चारण करके उसे सुनाया तो उसकी मुक्ति हो जाती है। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ था। श्लोक आता है, नारायण नमस्कृत्य देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरयेत। व्यास जी के यहाँ पर श्री सुखदेव जी का किस प्रकार से जन्म हुआ है, नारायण की कथाओं को श्रवण कर करके सुखदेव जी ने कैसे कैसे भक्तों का उद्धार करवाया है, मैं आप सभी के बीच में वो कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। भक्तों, पूर्व जन्म में ये सुखदेव जो थे एक तोता थे, राधा जी के सखा थे। भगवान कन्हैया एक दिन बैठे हैं, इनके आंखों में आंसू आ गए। राधा ने कहा, प्रभु रो क्यों रहे हो? प्रभु ने कह दिया, हे राधा, हमारे जाने के बाद हमारी चर्चाओं का गायन करके कलयुग में और उन भक्तों को जो हमारे प्रिय भक्त हैं उन्हें कौन सुनाएगा? राधा कहने लगी, चिंता मत करो प्रभु। उन्होंने अपने सखा को बुलाया और उस सुख से कहा है कि हे सुख, तुम उस धराधाम पर जाकर के प्रभु की कथाओं को श्रवण करके उनके भक्तों को सुनाने की कृपा करना। सुख वहां से चले, कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जाकर के कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए। इधर एक दिन भोले बाबा जो है कहीं घूमने के लिए गए, लेकिन नारद बाबा को चैन नहीं आया। नारद बाबा सोचने लगे, काफी दिन हो गए मैंने कहीं लड़ाई नहीं करवा पाई। और ध्यान रखना भैया, नारद तो हर गांव में होते ही हैं, एक एक नहीं छह छह नारद मिल जाएंगे, छह छह कंस मिल जाएंगे, छह छह रावण मिल जाएंगे। एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव में रावण, कंस और नारद ना हो। और वो भी नारद ऐसे, पहले के नारद जब थे तो नारद ने अगर कोई कार्य भी किया है तो कोई ना कोई कारण उसके पीछे था। और आजकल के नारदों ने अगर घर में प्रवेश कर लिया तो ध्यान रखना, बेमतलब के ही घर में तूफान खड़ा कर देते हैं। ये नारद कभी किसी को छोड़ते नहीं है, ध्यान रखना। के दुनिया को नाचा नचाई गई रे, हाय हाय रे माया की चिड़िया।
ध्यान रखना भैया। नारद अगर किसी घर में पहुंच गए तो उस घर की बर्बादी होने से कोई रोग नहीं पाएगा, इसलिए भाइयों ध्यान रखना। दोस्त हो या आपके गांव का हो, आपका कोई हितकारी व्यवहारी हो, अपने उसे द्वार तक ही सीमित रखना। घर पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन अपने घर का वेदी मत बना देना। अगर आपने अपने घर का पूरा चार्ज उसे दे दिया तो समझ लेना एक दिन वही व्यक्ति तुम्हारे लिए कांटे के समान हो जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक कौआ आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था, अपने चोंच में एक बीज दाबे हुए था, आसमान में उड़ता जा रहा था, लेकिन उस कागा की चोंच से वो बीज निकला और निकल करके एक दीवाल के बीच में फंस गया। दीवाल के बीच में जब फंसा तो दीवाल ने कहा, कोई बात नहीं है, छोटा सा दाना है, अगर ये उपज के बड़ा हो जाएगा, छाया होगी हमारे ऊपर, अच्छा लगेगा। उस दीवार ने उस दाने को निकाला नहीं। और ध्यान रखना, जब जब बारिश होती है तो दीवार जो है उसे पानी भी देती है, पूरी कोशिश करती है उसे बढ़ाने की। एक दिन ऐसा हुआ कि वो दाना जो था उसमें अंकुर फूट गया, और अंकुर जैसे ही फूटा तो दिन प्रतिदिन वो पौधा बड़ा होने लगा, और जैसे ही बड़ा होने लगा उसकी जड़ें बड़ी होने लगी। अब तो उसकी जड़ें जो है दीवार को खोदती हुई जमीन में समाने लगी। आज दीवार विचार करने लगी कि मैंने तो कहा था कि बड़े होने पर ये हमारे ऊपर छाया करेगी, लेकिन आज तो ये हमें ही खोद करके जमीन में डाले दे रहा है। इसलिए उस दीवाल ने कहा है कि भाइयों, किसी को भी अपने घर में इतनी इजाजत मत दे देना कि वो आपको ही खोदने की कोशिश करने लगे। दीवाल कहती है कि अगर इस दाने को मैं तभी निकाल के फेंक देते तो आज जो हमारे सीने में इसकी जड़ें पोड़ रही हैं, ये कभी इसकी सीने में जड़ें नहीं पोड़ सकती थी। इसलिए भैया ध्यान रखना, कभी अपने घर का इतना भेदी किसी को मत बना देना जो आपके जीवन को, आपके प्रवाद को ही बर्बाद कर दे। नारद वहां से चले, भोले बाबा थे नहीं, मैया पार्वती बैठी। मैया पार्वती से कहा, मैया जी बताओ बाबा कहाँ गए हैं? जवाब दिया कि बाबा तो हमेशा घूमते ही रहते हैं, घूमते रहते। बोले हाँ। मैया एक बात बताएगी, पूछिए। जवाब दिया है कि मैया ये बता, बाबा तुझसे कितना प्रेम करते हैं? मैया कहन लगी, लाला जेऊ कछु बात पूछवे की है? अरे बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं जितना कभी किसी ने किसी से किया ही नहीं होगा। नारद कहने लगे, मैया सब झूठो प्यार है, क्यों? जवाब दिया, हे मैया, बाबा की तू अकेली पत्नी नहीं है, बाबा के तेरे अलावा और भी पत्नियां हैं। और ध्यान रखना भैया, नारियों में आदत होती है कि नारी फटे कपड़े पहन सकती है, भूखी रह सकती है, अगर सौत का नाम ले लिया तो कलेजा जल जाता है। मैया कहने लगी, अच्छा हमारे अलावा हमारी सौते भी हैं? बोले हाँ। मैया कहने लगी, आने दो बाबा को, या तो बाबा ही रहेंगे या मैं रहूंगी। देव ऋषि नारद कहने लगे, अब हमारा काम पूरा हुआ, अब हमें यहां से जाना चाहिए। देव ऋषि नारद चले गए, मैया तो रूठ के कोने में बैठ गई। और जैसे ही भोले बाबा आए, भोले बाबा ने कहा, कहो पार्वती क्या बात है? पार्वती कहने लगी, भोले बाबा हमसे दूर रहना, क्यों? जवाब दिया, ये बताओ तुम हमसे कितना प्रेम करते हो? भोले बाबा कहने लगे, देवी ये भी बात कोई पूछने की है? मैं तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि इतना प्रेम कभी किसी ने किसी से किया ही नहीं होगा। पार्वती कहने लगी, महाराज झूठा आश्वासन देने की ये हमारे ऊपर कृपा मत करो, क्यों? जवाब दिया कि अगर आप हमसे प्रेम करते होते तो आपके गले में जो मुंडों के हार पड़े हैं इन हारों के बारे में कभी मुझे बताते नहीं क्या? जवाब दिया, हे देवी आपने हमसे कभी पूछा ही नहीं, तो अब बताओ। बाबा कहने लगे, हे देवी ये सारे के सारे मूड आपके हैं,
हमारे बोले हाँ। वो कैसे? जवाब दिया कि आप जितनी बार मरी मैंने आपके सर को काट करके माला में पो करके माला बना के अपने गले में धारण कर लिया। पार्वती का लगी भोले बाबा जे बताओ हम मरते रहे हो जीते रहे हो तुम का बेई बने? बोले हाँ हम बेई हैं। वो कैसे? जवाब दिया हम अमर कथा को जानते हैं हम मरते नहीं हैं। इसलिए आप मरती रही जीती रही आप जितनी बार मरी मैंने आपके सर को काट करके माला में पो लिया। पार्वती कहने लगी भोले बाबा अब तुमने हमारे साथ फिर कपट किया। अगर आप अमर कथा को जानते हैं वही अमर कथा अगर आप हमें भी सुना देते तो मैं भी अमर हो जाती। भोले बाबा कहने लगे पार्वती तुम कथा श्रवण कर नहीं पाओगी क्योंकि प्रभु की कथा जो होती है इतनी साधारण नहीं होती है। और ध्यान रखना भैया कथा सुनने के भी नियम कुछ अलग होते हैं। कथा सुनने के नियम अलग होते हैं। कथा असर कब करेगी? कथा असर तब करेगी जब आप संयमित होकर के कथा श्रवण करेंगे। अच्छा परीक्षा जी ये बताओ अगर आपको आ रहा है बुखार है और तुम दर्द की अगर गोली खा लो तो क्या बुखार ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो दर्द की दवाई है। बुखार तभी ठीक होगा जब बुखार की दवाई खाओगे। और कथा भी असर तभी करेगी जब आप कथा को सही में तो होकर के श्रवण करेंगे। आजकल मैंने देखा है कि पंडाल में जगह होती है लेकिन कुछ भैया लोगों की आदत होती है कि चप्पल जूता उतार के बहुत दूर जाए के बैठ जाए और भाई के ऊपर बैठ जाए कहें लो महाराज ये हमारा आसन हो गया। चप्पल जूते किसका प्रतीक होते हैं? परीक्षा जी चप्पल जूता किसका प्रतीक होते हैं? अगर कोई चुरा ले जाए तो क्या कहते हैं? भला गया सनीचर घर से, कहते कि नहीं? अगर आप चप्पल और जूते पर बैठ करके कथा सुनोगे तो इधर से सुनोगे इधर से ट्रांसफर होती जाएगी। इसलिए ध्यान रखना चप्पल और जूते पर बैठ करके कभी कथा ना सुने। कथा सुनने के नियम अलग होते हैं। ध्यान रखना कथा में बैठ करके अगर किसी को नींद आती है तो समझ लेना कि आपके ऊपर 100% कोई ना कोई पाप है। अगर कथा में मन न लगे तो समझ लेना पाप है। अगर कथा में बैठ करके आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो समझ लेना कि आपके ऊपर पाप है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि नींद उसी के घर जाती है जहाँ पर हरि की चर्चाएं नहीं होती है। एक कवि लिखता है इंडिया बाई के घर जाइए जा घर
जहाँ पर प्रभु की चर्चाएं नहीं होती है, नींद सबसे ज्यादा वहां जाती है जहां पर भगवान की तो भैया मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा मुझे कथा सुनाओ। भोले बाबा कहने लगे हैं हे पार्वती कथा तो सुना दूं मगर तुम सुन नहीं पाओगे। क्यों? ध्यान रखना भैया कथा भी श्रवण करने के लिए उसी को मिलती है। मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य जब जागृत अवस्था में आते हैं तब जीव को कथा सुनने का मौका प्राप्त होता है। और कछु लोग कह देते हैं कि भैया चलो कथा सुनवे के लिए चल रहे, गर्मी पड़ रही है, लाइट ज्यादा आ नहीं रही है, चलो कथा सुनने चले थोड़ा टाइम पास हो जाए। तो परीक्षा जी जब कोई टाइम पास घड़ी ना आए है, दिस इज नॉट एंजॉय, दिस इज नॉट फुल टाइम पास। ये कोई टाइम पास घड़ी तो है नहीं, ये भगवान की कथा है। भगवान की कथा में बैठ करके अगर मन लगा करके आप कथा को श्रवण करेंगे तो कथा अपना पूरा का पूरा असर आपके ऊपर करेगी। बोले बाबा ने कहा तुम कथा श्रवण नहीं कर पाओगी। मैया कहने लगी क्यों? जवाब दिया है कि तुम माताओं से पाप हो जाते हैं। और ध्यान रखना माताओं, हम लोगों से पाप न करने के बावजूद भी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठने के बाद सीधा झाड़ू पकड़ते हैं और झाड़ू पकड़ के न जाने कितनी चीटा और चिटी मार के रख लेते हैं, तो ये पाप ही तो हो गया। हम लोगों से अनजाने में न जाने कितने पाप हो जाते हैं। और इसीलिए तो माताएं मैंने धर्म के कार्य में सबसे आगे रहती हैं। अगर माताएं बहने अपने घर से आएगी तो कुछ न कुछ हाथ में लेकर के आएगी, और भैया लोग आएंगे घर से तो लेकर के कुछ नहीं आएंगे, पीछे से आएंगे, पीछे ही बैठ जाइए मुड़ी लाई के। अब बताओ मुड़ी किसने हिलाई थी? मुड़ी हिलाई थी राजा नृग ने। क्या बनना पड़ा था? केटूरा, जो आपने देखा होगा सूखी लकड़ियों पे उल्टा लटक जाता है फिर मुड़ी हिलाता रहता है, उसे केटूरा कहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो अगले जन्म में आपको भी केटूरा ही बनना पड़ेगा। इसलिए जब भी घर से आए तो भगवान के लिए कुछ न कुछ लेकर के आए। अगर वैसे तो सब कुछ है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो अकौआ ढकौआ जाकाऊ के फूल मिले ताऊ ताई के लेके आओ और प्रभु से एक बात कहो कि हे प्रभु फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, सच तो बताओ प्रियतम प्यारे क्या ये तुम्हारे काबिल है। मैं एक श्रद्धा सुमन पुष्प लेकर के आए हैं, सच बताओ आपके लायक है या नहीं है। अगर भाव से आप एक पुष्प भी चढ़ाएंगे तो प्रभु कहेंगे मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर तेरा भाव है तो पुष्प हमारे लिए करोड़ों के समान एक पुष्प है। भाव होना चाहिए, भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भाव से भजलो प्रभु को तो भव से बेड़ा, भाव होना चाहिए।
मैया पार्वती से कहा तो कथा सुन नहीं पाऊंगी। भोले बाबा से हट गई हैं तो भोले बाबा मैया पार्वती को वहां से लेकर के चले, जाकर के उत्तराखंड में पहुंचे अमरनाथ की गुफा में। आज बड़ा सुंदर सा मंच बनवाया, लेकिन भैया करके उत्तराखंड में आसन लगा लिया। मैया पार्वती को सामने बैठा लिया, एक बात कही है, हे पार्वती हमें कथा कहते कहते नींद आ जाती है, आप बीच बीच में ओम ओम शब्द बोलती रहना। पार्वती ने कहा महाराज ऐसा ही होगा। भोले बाबा अमर कथा श्रवण कराने लगे और पार्वती सुनने लगी, लेकिन भैया धीरे धीरे जैसे ही कथा को सुना वैसे ही वैसे मैया पार्वती को नींद आ गई। और सुख जो राधा जी ने भेजे थे अंडे के रूप में भोले बाबा शंकर के मंच के पीछे विराजमान थे, जैसे ही मैया पार्वती सोई वैसे ही उस अंडे का फूटना हुआ, उसमें से सुख के बालक का प्रागट हो गया और वो मैया की आवाज में ओम ओम शब्द कहने लगा। जैसे ही कथा विराम हुई भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए रामचंद्र भगवान की। मैया पार्वती की आंख खुल गई, महाराज फिर बताओ उद्धव ने गोपियों को क्या समझाया। भोले बाबा कहने लगे पार्वती कथा तो विराम हो गई और तुम उद्धव गोपी संवाद की बात कर रही हो, इसका मतलब तुम सो गई थी। पार्वती कहने लगी महाराज थोड़ी सी आंख लग गई थी, फिर हमारी अमर कथा कौन सुन रहा था। पार्वती कहने लगी महाराज हमें पता नहीं है कि आपकी कथा कौन सुन रहा था। अरे पामे अंग पर और महादेव जी और बैठे आसन मार, और हमारी कथा को लगे सुनाने बोला को प्रपुरार।
पार्वती सो गई। तोता आवाज देने लगा, जैसे ही जयकारा लगाया तो मैया की आंख खुली। बाबा ने कहा, फिर हमारी कथा को किसने सुना है? त्रिशूल को आदेश दिया है, जाओ, जिसने हमारी अमर कथा को छुप करके श्रवण किया है उसे मार करके आओ। त्रिशूल पीछे पीछे भाग रहा है, सुख का बालक आगे आगे भाग रहा है। वेदव्यास जी की पत्नी अपने आश्रम में खड़ी हुई थी, अपने बालों को सुखा रही थी। जब मुहाई आई तो मुंह खुल गया, मुंह से होकर के उनके गर्भ के अंदर वो सुख का बालक चला गया। भैया त्रिशूल बिटका देवी के पास खड़ा है, अब तो भोले बाबा भी भागते भागते वहीं पर पहुंचे। व्यास जी से कहने लगे, व्यास जी तुम्हारी पत्नी के गर्भ में हमारा चोर छुपा, उसे निकाल दो। व्यास जी कहने लगे, भोले बाबा हमें तो लगता है कि तुमने पक्का आज बांग बांग ज्यादा पी रखी है। क्यों? अरे इतना छोटा सा चोर, भला उस चोर ने तुम्हारा चुरा क्या लिया है? जवाब दिया उस चोर ने, हमारी अमर कथा को चुप करके चोरी से श्रवण किया है। चोर कहीं कहा तुम्हारी पत्नी के गर्भ के अंदर प्रवेश कर गया। ब्यास जी कहने लगे, भोले बाबा अब तो हमें पक्का पता है कि तुमने दांत मथुरा सब मिक्स करके खा लिए। क्यों? तुम्हें पता होगा अग्नि का काम होता है जलाना, अगर जाने में छुओगे तब भी जल जाओगे, अनजाने में छुओगे तब भी जल जाओगे। अमर कथा का काम होता है अमर करना, आप अगर जाने में सुनोगे तब भी अमर हो जाओगे, अनजाने में सुनोगे तब भी अमर हो जाओगे। वो पुत्र अमर हो चुका है, मरने वाला तुम्हारे हाथों से नहीं है। भोले बाबा कहने लगे, बात तो ठीक है। भोले बाबा वापस लौट करके आए, अब उस पुत्र का जन्म ही नहीं हो रहा है, बार है वर्ष हो गई। वे आज विटका देवी कहने लगी, महाराज हमें कभी कभी लगता है कि हमारे गर्भ के अंदर से वेदव धुनी की आवाज निकलती है। व्यास जी ने कहा है कि हे भद्रे, निश्चय ही आपके गर्भ के अंदर कोई अलौकिक शक्ति पल रही है। ध्यान रखना माताओं, अगर माँ चाहे तो संतान को, पुत्र को भगवान, नहीं तो भगवान के गुणों जैसा अपना पुत्र पैदा कर सकती है। अगर भगवान नहीं बना सकती तो भगवान का भक्त तो बना ही सकती है गर्भ के अंदर। अगर माँ तीन काम करे, पहला काम गर्भवती जो माताएं होती है, सुबह उठ करके 1 किलो या 2 किलो अनाज चाकी से पीसे, क्योंकि जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है इसी प्रकार से चाकी का पाठ घूमा करता है। जिस प्रकार से भगवान के घंटा और घड़ियालों की आवाज मंदिरों से आती है, वैसे ही जब चाकी चलाई जाती है तो चाकी की गड़गड़ाहट आती है, बच्चे के कानों तक जाती है। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, उन्हें रोज सुबह 4 बजे उठ करके गाय के परिक्रमा लगाने चाहिए, क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोट देवी देवताओं का उनके शरीर में विराजमान होते हैं। गर्भवती माताएं जो होती हैं, 1 गिलास दूध गाय का पिए, लेकिन आज कल उसे कह दे गाय को दूध पी ले तो कहे अरे गाय को दूध तो देख वे उसे उल्टी आती है, तुम पीवे की बात कर रही हो। तुम्हें पता होगा कि जब गाय के बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा कहते कि नहीं? गाय का दूध पियोगे तो बच्चा बछड़ा पैदा होगा, अगर भैंस का दूध पियोगे तो क्या होगा? हम नहीं कहेंगे भाई, आप ही कहो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहते हैं कि अगर माँ तीन काम करे तो भगवान नहीं, भगवान के गुणों वाला भगवान का भक्त पैदा कर सकती है। हे जननी तू पुत्र जन के दाता का शूर, और ना ही तो तू बांज रहे के वृथा गमावे। हे माताओं अगर संतान पैदा करनी है तो महाराणा प्रताप, भगत सिंह, शिवाजी जैसे पुत्र पैदा करो, और अगर बेटियां पैदा करनी है तो रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, ऐसी बेटियां पैदा करो जो समाज में नाम रोशन, अपना और अपने माता और पिता का नाम रोशन करे। बोलिए गोविंद भगवान की। 12 वर्ष के बाद में
उस बेटे का जन्म हुआ, स्वयं मायापति भगवान ने जाकर के कहा कि आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आइए, हमारी माया तुम्हारे ऊपर कोई प्रकोप नहीं करेगी। और माया के चक्कर में आज उस पुत्र का जन्म नहीं हो पा रहा था। जब स्वयं मायापति भगवान ने कहा कि माया तुम्हारे ऊपर कोई प्रकोप नहीं करेगी, तो 12 वर्ष के बाद में उस बालक का जन्म हुआ। और जन्म लेते ही उस बालक ने अपने घर को त्याग दिया, जन्म लेते ही घर को छोड़ दिया। आज किसी 20-22 साल के लड़का से कहो कि लला घर छोड़ के कहो नौकरी पे चले जाओ, तो कहेंगे अरे मैया नौकरी पे कैसे चले जाए, हम तो जा नहीं सकते हैं। क्योंकि जो आनंद घर में होता है वो बाहर नहीं होता है, बाहर तो बाहर होता है। नौकरी करने जाओगे, नौकर बन के जाओगे, काम करना पड़ेगा। अपने घर में एक दिन रहो या दो दिन रहो या चार दिन पड़े रहो, कोई कहने वाला नहीं है। और अगर बाहर आपने काम नहीं किया तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर किसी बच्चे से कहो कि बेटा 2-4 दिन के लिए घर से बाहर चले जाओ, तो आज का बच्चा जो है 2-4 दिन के लिए घर से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन देखिए उस छोटे से बच्चे ने जन्म लेते ही अपने घर को त्याग दिया। माँ ने बहुत रोका, पिता ने बहुत रोका, लेकिन नहीं माने और जा करके हर हर गंगा के तट पर विराजमान हुए। वहां पर भगवान नाम की चर्चाएं करने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की जय। सभी भाव से एक भगवान नाम का भजन बोलेंगे, ताली बजाते हुए बड़े श्रद्धा और भाव से जो नृत्य करना चाहें वो कर ले। सभी भाव से बोले
किनारे गंगा के तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज। भगवान में चित्त लगा करके बैठ जाते हैं। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ था। भरत के वंश में एक महाराज हुए हैं जिनका नाम हुआ है शांतनु। महाराज शांतनु के यहाँ पर दृष्टराज, पांडु और विदुर हुए हैं। दृष्टराज का विवाह हुआ है जो गांधारी नाम की पत्नी घर में आई है। पांडु का विवाह हुआ है जो कुंती नाम की पत्नी घर में आई। महाराज दृष्टराज के 100 पुत्र हैं और महाराज पांडु के 5 पुत्र हैं। पांडवों ने अपनी मेहनत के द्वारा एक नई नगरी का निर्माण करवाया था, जिस नगरी का नाम था इंद्रप्रस्थी। आज जिसे हम दिल्ली कहते हैं, इस दिल्ली का पूर्व नाम था इंद्रप्रस्थी। यहाँ पर पांडव रहते हैं और हस्तिनापुर में सब कौरव रहते हैं। लेकिन कौरव जो 100 हैं, 100 के 100 अधर्मी हैं, पांडव जो हैं, ये 5 के 5 धर्म पर चलने वाले हैं। ये जो महाभारत था, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। धर्म परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। महाराज 100 के 100 पुत्र अधर्मी हैं, किसी के बारे में कभी भला नहीं चाहते हैं, किसी के बारे में कभी भी अच्छी बात नहीं करते हैं। और ध्यान रखना परीक्षित जी, अगर घर में एक पुत्र है, अगर समझदार है तो एक पुत्र ही काफी होता है। अगर आपके घर में 4 पुत्र हैं और 4 पुत्रों में बुद्धि नहीं है तो 4 पुत्र किसी काम के नहीं होते हैं। एक सेठ जी के घर में 4 पुत्र थे, लेकिन भैया 3 पुत्र जो थे पढ़ने लिखने वाले थे। एक छोटा वाला जो पुत्र था सारे सारे दिन घूमता था, एक बात कहता था कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, कुछ ज्यादा खाता था। तो एक विद्वान ने कहा, भैया तुझे ये नहीं कहना चाहिए कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तुझे तो कहना चाहिए कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम, कुछ ज्यादा खाता था। तो सेठ जी कहने लगे कि ये 3 बच्चे तो पढ़ते लिखते हैं, इनकी गुजर हो जाएगी, लेकिन ये छोटा वाला जो है इसकी गुजर कैसे होगी। लेकर के चले एक टीचर के पास में पहुंचे, बहुत समझदार टीचर थे। कहने लगे, भैया हमारे पास छोड़ दो, मैं ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही सकता हूँ। टीचर के पास में जब लड़का को पहुंचाओ छोड़ दिया, लेकिन भैया ध्यान रखना सारे सारे दिन खाता और पूरे दिन सोता है। एक बार ऐसा हुआ, टीचर ने कहा कि बच्चों का इंटरव्यू ले लिया जाए। बच्चों का इंटरव्यू लेने लगे, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे उनसे कहा, ये बताओ बेटा अपने देश के प्रधानमंत्री कौन कौन है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी से पहले श्री मनमोहन सिंह जी थे। बोले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री मनमोहन सिंह जी। अच्छा बेटा ये बताओ ये आए कहाँ से हैं? बोले ये अमेरिका से आए हैं। अब बेटा ये बताओ कि अपना भारत देश स्वतंत्र कब हुआ था? बोले सन 1947 से लेकर के 50 तक पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका था। मास्टर साहब ने कहा कि बच्चों आप तो पढ़ते हैं। अब उनके पास में पहुंचे जने कछु पढ़वे लिखवो नहीं आते, तो सेकंड हैंड घोपड़ी वाले के पास पहुंचे। बोले बेटा तू कछु और तो बता नहीं पाओगे, तू ये बता कि तेरा नाम क्या है। बोले हमारा नाम, बोले हाँ, बोले हमारा नाम है मनमोहन सिंह। टीचर कहने लगे शायद इसके माँ बाप ने इसका नाम रखा हो मनमोहन सिंह। अच्छा ये बताओ बेटा तुम आए कहाँ से हो? बोले मैं अमेरिका से आया हूँ। टीचर कहने लगे शायद सेठ का लड़का है गया हो। अब बेटा ये बता कि तेरा जन्म कब हुआ था? बोले हमारा जन्म, बोले हाँ मेरा जन्म सन 1947 से लेकर के सन 1950 तक पूर्ण रूप से हो चुका था।
तो कहते हैं ना कि बच्चा अगर एक घर में हो अगर समझदार है तो एक बच्चा काफी है, नहीं तो चार चार बने रहे, माँ बाप की जितनी भी कमाई है सब मिट्टी में मिला के चले जाए। महाराज दृष्टराज के यहाँ पर 100 पुत्र हैं लेकिन 100 के 100 अधर्मी हैं। एक दिन एक दानव ने भवन बनाया था, उस भवन का निरीक्षण करने के लिए कौरव पांडव दोनों ही चले। हुआ ऐसा थी वहां लगा पानी भरा और जहां पानी था वहां लगा अच्छी जगह है। और उन्होंने जैसे ही छलांग लगाई है तो दुर्योधन पानी में गिर पड़े। द्रौपदी कहने लगी हमें तो लगता है कि अंधे के पुत्र अंधे ही हुआ करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अंधे के पुत्र अंधे हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि शराबी का पुत्र शराबी हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि पागल का पुत्र भी पागल हो जाए। काफी बार मैंने देखा है कि पिता शराब पीता है लेकिन बच्चे उतना ही सज्जन निकल आते हैं। काफी बार मैंने देखा कि पिता बहुत सज्जन होते हैं और औलाद उनकी बहुत बिगड़ी हुई निकलती है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर पिता अंधा है तो संतान भी अंधी हो सकती है। द्रौपदी ने बिना सोचे समझे कह दिया और जैसे ही कहा तो दुर्योधन ने विचार किया है कि हे द्रौपदी तुमने आज हमारा अपमान किया है, मैं अपने अपमान का बदला तुमसे जरूर लेंगे। अब भवन का निरीक्षण हुआ, यज्ञ हुआ, सब लोगों ने भोजन किया, बाप और भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया है। भगवान का बहुत अपमान हुआ मगर फिर भी भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया है। आज किसी से कह दिया जाए कि भैया पत्तल उठा करके डाल दो तो लोग कहने लगते हैं कि मैं कोई पत्तल उठाने वाला नहीं हूँ। आप लोग भगवान से बड़े नहीं हैं, जो भगवान ने जितने भी राजा वहां पर आए थे सबके पत्तलों का उठाने का काम किया था। आज यज्ञ पूरा हुआ, सभी राजा अपने अपने धाम के लिए चले गए। अब ये दुर्योधन द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए सोचने लगा, भैया ध्यान रखना अगर आपका कोई अपमान करे तो भलाई आपकी इसी में है कि उस अपमान को आप सहन करें और अपने काम के द्वारा अपने कर्म के द्वारा उसे उत्तर दें। अगर आपको किसी ने एक गाली दी आपने भी उसको गाली दे दी तो
आप में और उसमें अंतर क्या रह गया, जैसा वो था वैसे आप हो गए। अपने काम के द्वारा उत्तर दीजिए। ध्रुव का अगर अपमान नहीं होता तो ध्रुव को भगवान की भक्ति नहीं होती और भगवान के दर्शन नहीं होते। प्रहलाद का अगर अपमान नहीं होता तो प्रहलाद को भगवान के दर्शन नहीं होते। मीरा का अगर गली गली में अपमान नहीं होता तो मीरा को कभी भी भगवान की दासी बनकर के आज दुनिया के लोग जो सम्मान देते हैं वो सम्मान कभी नहीं मिल सकता था। अगर आपका कोई अपमान करता है तो आपको उसका लौट करके अपमान नहीं बल्कि काम के द्वारा उसको अपना परिचय देना है, उत्तर देना है। अब तो ये सोचने लगा मैं द्रौपदी से बदला लूंगा। और एक बात का ध्यान रखना भैया, नारी शक्ति बहुत बड़ी हुआ करती है। नारी ही एक माँ बनकर के आती है, नारी ही एक बेटी बनकर के आती है, नारी ही एक पत्नी बनकर के आती है और नारी ही एक माँ बनकर के आती। नारी एक रिश्तों को नहीं संभालती है, नारी कई एक रिश्तों को संभाला करती है। कभी कभी मैंने तो देखा है कि लोग कह देते हैं कि नारी को घर की ग्रेडी को पैर की जूती बना करके रखो, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगी कि नारी को पैर की जूती बना के नहीं, नारी को तो सर की पगड़ी बना करके सजा करके रखो। क्योंकि नारी अगर चाहेगी तो भरे चौराहे पर तुम्हारा अपमान करवा देगी और नारी ही चाहेगी तो तुम्हारा भरे समाज में सम्मान करवा देगी। इसलिए महाराज ध्यान रखना, बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। सर्दी और गर्मी में पुलिस वाली वर्दी में अनहद की सीमा पे जाने लगी बेटियां, देवों के संग में कारगिल की जंग में तोप और राइफल चलाने लगी बेटियां, झांसी की रानी थी अमर कहानी थी अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने लगी बेटियां। बेटियां किसी से कम नहीं है। आज फिर भी बेटियां गर्भ के अंदर जान खो रही हैं। कहीं बेटियां गर्भ के बाहर आ जाए तो सुरक्षित नहीं और कहीं बेटियां गर्भ के अंदर रहे तो सुरक्षित नहीं। सबसे बड़ी तो बेटी की दुश्मन जो होती है वो खुद की माँ होती है। अगर माँ को पता चल जाए कि हमारे गर्भ में बेटी है तो माँ कुछ भी करेगी, मगर जब तक बेटी मरवा नहीं देगी तब तक शांति से बैठ नहीं सकती है। हे माताओं, बेटी एक कुल की नहीं दो कुलों को उजाले करने वाली होती है। फूल से कोमल हृदय वाली होती है बेटियां, फूल से कोमल हृदय वाली होती है बेटियां। माँ बाप के ऊपर कष्ट होता है तो रोती है बेटियां। बेटा तो तारते हैं एक ही कुल को, लेकिन दो दो कुलों को तारती है बेटियां, तारती है बेटियां। एक कवि कहता है भैया
कम मत समझना, बेटियां वो करके दिखा रही हैं जो लड़के दिखा रहे, वो ही बेटियां करके दिखा रही हैं। बेटा तो केवल पिता के जमीन को बंटवाने आएंगे, लेकिन बेटियां जो होती हैं पिता के दर्द को बंटवाने के लिए आती हैं, बंटवाने का काम करती हैं। आज माँ द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए सोचने लगा। एक बार दूध पीड़ा का निमंत्रण देकर के इंद्रप्रस्थ भेज दिया, चाचा विदुर के हाथ में वह पत्रिका दी। चाचा विदुर ले जा करके वह पत्रिका धर्मराज के पास में पहुंचे। धर्मराज अपने भाइयों को साथ लेकर के चलने लगे तो चाचा विदुर ने बहुत समझाया, बेटा वहां मत जाओ, तुम्हारे लिए कपट का जाल बिछाया गया है। तुम्हारे लिए वहां पर उन कौरवों ने कपट का जाल बिछाया है, तुम वहां मत जाओ। धर्मराज कहने लगे, हे चाचा जी, अगर मैं वहां नहीं गया तो हमारा धर्म ही समाप्त हो जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। द्रौपदी को साथ लिया, अपने भाइयों को साथ लिया और जाकर के हस्तनापुर में पहुंचे। हस्तनापुर में पहुंचे हैं, दुर्योधन ने कहा, भैया हमारी इच्छा ऐसी चल रही है कि जुए का खेल हो जाए। जुआ खेलना महापाप होता है, जुए की हार भी बहुत प्यारी होती है और जुए की जीत भी बहुत प्यारी होती है। नहीं माने तो धर्मराज ने कहा, ठीक है भैया खेल लो। पांडवों की ओर से धर्मराज तैयार भय और कौरवों की ओर से मामा शकुनी तैयार हुए। मामा शकुनी जो थे ये पांसों को वश में करना जानते थे। साथ ही साथ में आपको और एक बात बताऊं कि सबसे बड़ा अगर महाभारत कराने का किसी का हाथ था तो वो था शकुनी का। शकुनी नहीं चाहता था कि कौरव अच्छी तरह से रहे, कौरवों का नाश करवाने में लगा हुआ था, क्योंकि जब दृष्टराज का विवाह गांधारी के साथ हुआ तो गांधारी के साथ में विवाह होने के बाद जब गांधारी घर में प्रवेश की, दृष्टराज को पता चला है कि गांधारी का प्रथम विवाह हो चुका था। गांधारी को श्राप लगा था कि तुम्हारा प्रथम विवाह जिसके साथ में होगा वो तुम्हारा पति मर जाएगा। तो इनका गांधारी का विवाह इनके पिता ने एक बकरे के साथ करवाया। दूसरा विवाह महाराज दृष्टराज के साथ में करवाया तो दृष्टराज को बहुत बुरा लगा, कहने लगे कि आपने हमसे बिना पूछे ही अपनी एक जगह अपनी बेटी का विवाह कर लिया और दोबारा हमारे साथ में करवा दिया। इनके पिता को बंदी बनवा लिया और बंदी बनवाने के बाद में कारागार में डाल दिया, अच्छा भोजन भी नहीं देता है। एक दिन इसके पिता की अंतिम समय आ गया, अपने बेटा को अपने पास बुलाया जिसका नाम था शकुनी, और शकुनी से कहा कि हे बेटा, जब मैं मर जाऊं तो आप हमारी हड्डियों से पांसे बनवा लेना, और जब आप पांसे बनवा लोगे तो
वो पासे हमेशा तुम्हारा काम करेंगे। आप पासे से जो कहोगे पासे वही कार्य तुम्हारा करेंगे। पासे हर समय तुम्हारे वश में रहा करेंगे। इसलिए जब मैं मर जाऊं तो हमारी हड्डियों से पासे बनवा लेना। ये पासे कोई और नहीं थे, ये शकुनी के पिता की हड्डियों के बने हुए पासे थे। और वो पासे जो थे हमेशा शकुनी के वश में रहा करते थे। उसने पहले दाव को जब चलाया है तो धर्मराज ने अपनी मणिमाला को लगा दिया। हुआ ऐसा कि मणिमाला को शकुनी ने जीत लिया। दूसरे दाव पर धर्मराज ने अपने राज्य को लगा दिया, शकुनी ने राज्य भी जीत लिया। तीसरे दाव पर लगाने के लिए कुछ नहीं रहा तो जवाब दिया है कि धर्मराज अब आप दाव पर क्या लगाओगे। धर्मराज कहने लगे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या लगाऊं। मामा शकुनी कहने लगे पागल मत बनो, तुम्हारे पास तो अभी अनमोल रत्न शेष है। क्या? बोले हाँ। राजा ही माना जाता है। कुछ पास आपके रहा नहीं, यह तो आपकी नादानी है। वधने के लिए अभी बाकी द्रौपदी महारानी है। आपके पास में अनमोल रत्न शेष है जिसका नाम है द्रौपदी। आप अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर क्यों नहीं लगा देते हो? जैसे ही द्रौपदी का नाम सुना है भीम तो आग के समान हो गए। कहने लगे शकुनी तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं लग रही है? एक नारी को दाव पर लगवाना चाहते हो। जिस नारी से पुरुष को सम्मान में सम्मान मिलता है समाज में, जिस नारी के प्रति ही पुरुष को समाज में अपमान मिलता है, और जिस नारी के ही कारण समाज में पुरुष को सम्मान मिलता, उस नारी को तुम दाव पर लगवाना चाहते हो। एक बात का ध्यान रखना भैया, मामा जॉन जॉन से युग में आए हैं, उस युग में कुछ ना कुछ किया जरूर है। लेकिन आजकल के मामा तो थोड़े ठीक ठाक हैं, लेकिन पहले के मामा जितने आए
तो मामन ने कबू बानैज को अच्छो नहीं चाहो, हमेशा सोचते रहे कि कऊ प्रकार से मर जाए मिट जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आजकल के मामा तो जरा अच्छे हैं, आजकल के बिना मामा को पूछे कोई काम आगे हो तो नहीं है। अब माफ करें अगर यहाँ पे कोई मामा बैठे हो, मैं बताऊंगी जरूर कि जोन जोन से युग में मामा आए मामाओं ने क्या किया है। कुशल ये चाहो जीवन में तो मामा से बचती रहियो, कुशल ये चाहो पहले मामा श्रवणी कुमारी जब नीर भरण को सरयू तट पे खतरनाक मामा आए। अरे कछु मरवाई दे कछु कटवाई दे कछु करवाई दे घायल मामन में एक ऐसो मामा जो रही को में मामा आए हैं उस युग में कुछ न कुछ किया है जरूर। आज सपनी छल कपट का पोसा फीक करके द्रौपदी को दांव पर अंत में धर्मराज ने लगा दिया, वो द्रौपदी को भी हार गए। दुशासन से कहा है भैया दुशासन जाओ द्रौपदी को पकड़ करके सभा के बीच में लेकर के आओ।
दुशासन चला है द्रौपदी को लेने के लिए। द्रौपदी अपने अड्डे पर खड़ी हुई थी। द्रौपदी से कहा है चलो सभा के अंदर। हमारे भैया दुर्योधन ने बुलाया। द्रौपदी कहने लगी आज दिन तक कोई नारी सभा के बीच में नहीं गई, मैं भी नहीं जा सकती हूँ। बुलाया क्यों? जवाब दिया ये मुझे पता नहीं है कि क्यों बुलाया, मगर तुम्हें बुलाया है चलना भी पड़ेगा। द्रौपदी ने मना किया है तो द्रौपदी के केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके घसीट करके चलने लगा। द्रौपदी ने कहा हमारे केसों को छोड़ दो, लेकिन आज उस दुशासन ने केस नहीं छोड़े तो द्रौपदी ने भी प्रण किया है कि हे दुशासन मैं भी अपने केस तब तक नहीं बांधूंगी जब तक तेरे रक्त से मैं अपने केसों को नहीं धो लूंगी। द्रौपदी को खींच करके सभा के बीच में खड़ा कर दिया और दुर्योधन ने कहा दुशासन इसकी साड़ी को खींच करके सभा के बीच में नग्न कर दो, अब इसे पता चलेगा कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं या फिर आंखों वाले होते हैं। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा। आज द्रौपदी अपने साड़ी को पकड़ लेती है, पांडवों की तरफ देखती, एक भी कुछ नहीं कहता है। अंत में द्रौपदी ने आज भीष्म पितामह की तरफ देखा और कहने लगी कि हे हमारे कुल के सबसे बड़े आचार्य, आपकी पुत्र वधु, आपकी घर की वधु सभा के बीच में नग्न हो रही है, आप अपनी आंखों से अपने पुत्र वधु को नग्न होता हुआ कैसे देख सकते हैं? आज द्रौपदी की करुण आवाज थी। आज पितामह से कहने लगी है कि हे प्रभु कहती है आपकी कुल वधु आज सभा में नग्न हुई जा रही है, क्या आप हमारी रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे? आज पितामह ने भी अपनी नजर को नीचे झुका लिया, कुछ कह नहीं पाए। आज दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा है,
द्रौपदी चारों तरफ देखती रही। पांचों पति जो है लज्जा से शर्म की वजह से नीचे को सर झुकाए बैठे हैं। कुछ भी कोई कहने वाला नहीं है। आज द्रौपदी कहने लगी है, प्रभु जिस नारी के एक पति होता है वो उसकी रक्षा करने के लिए आता, मगर मैं तो पांच पांच पति होने के बावजूद भी एक भी कहने वाला नहीं है। ध्यान रखना भैया, द्रौपदी के पांच पति कैसे हुए? जब अर्जुन ने मीन पर निशाना मारा और द्रौपदी को जब जीत लिया है, तो महाराज द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ किया। अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर के मैया कुंती के पास में पहुंचे, लेकिन मैया कुंती उस समय कोई कार्य कर रही थी। आज अर्जुन ने कहा मैया कुंती से, हे माँ देख मैं तेरे लिए क्या लेकर के आया हूँ। मैया कुंती ने देखा नहीं और कह दिया, हे लाल जो भी लेकर के आए हो पांचों भाई आपस में बांट लो, पांचों भाई आपस में बांट लो। मैया कुंती के कहने के आधार पर आज द्रौपदी के पांच पति हुए। ध्यान रखना भैया, पांच नारियां संसार में ऐसी हैं जिन जिन नारियों का नित्य सुबह उठ करके अगर स्मरण करें तो आपके घर में कलेश नहीं रहेगा, आपके घर में कभी विपत्ति नहीं आ सकती है। पांच नारियों के नाम बताए हैं, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी, तारा। ये पांच कन्याएं ऐसी हैं कि जब जाती हैं तब कुंवारी हो जाती हैं और जब जाती हैं तब अपना विवाह विवाहित अवस्था में आ जाती हैं। द्रौपदी के पांच पति थे। जब एक पति से दूसरे पति के पास जाती है तो कुंवारी बन करके जाती है, क्योंकि पांच कन्याएं ऐसी हैं जिनका प्रातः काल नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। श्लोक भी आता है, अहिल्या द्रौपदी कुंती मंदोदरी तारा तथा पंच कन्या नित्यं विस्मरण ममः पातकमनाशनम्। अहिल्या द्रौपदी कुंती मंदोदरी तारा इन पांच कन्याओं के नाम सुबह उठ करके स्मरण किए जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ द्रौपदी खड़े होकर के रो रही थी, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। भगवान कन्हैया उधर रुक्मणी के पास बैठ के रो रहे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु रो क्यों रहे हो? प्रभु ने कहा है कि हे रुक्मणी, आज हमारी बहन द्रौपदी की लाज जा रही है। रुक्मणी ने कहा, जाओ जाकर के अपने बहन की रक्षा करो। कन्हैया कहने लगे, हे रुक्मणी जाऊं कैसे? बहन मुझे बुलाना नहीं चाहती है। बहन उन पतियों पर आस लगा करके बैठी जिन पतियों ने उसे हंसते हंसते दांव पर लगा दिया। अरे द्रौपदी हमारा पूरा नाम नहीं लेना चाहती है तो मेरा आधा ही नाम ले दे, मैं तो आधे नाम पर ही भागता हुआ चला जाऊंगा। आज द्रौपदी के जब सब सारे टूट गए तो कृष्ण के लिए आवाज लगाई है, हे कन्हैया आज द्रौपदी कृष्ण के लिए आवाज लगाती है, भैया आके बचा लो, आके बचा लो प्यारे कन्हैया, आके बचा लो जा रही है।
कहा तो द्रौपदी कृष्ण को बुलाने लगी और बोली है कन्हैया, मेरी असुरानी साड़ी आई गई ओ सपुरानी, मेरी मेरी असुरानी साड़ी आई गई ओ सपुरानी, प्रभु जब अंगुली कटी तुम्हारी जब अंगुली कटी तुम्हारी मैंने पहाड़ी की रेशम साड़ी प्रभु को पुकारा है और जैसे ही पुकारा है तो भगवान आज रुक्मणी के पास से चले। कोई रथ नहीं है, कोई घोड़े नहीं है, पैरों में जूते नहीं है, कोई साथ में सखा नहीं है। भगवान पैदल ही पैदल अपने बहन की रक्षा करने के लिए चले। और ध्यान रखना भैया, मतलब के जमाने में अपने बदल जाते हैं, मतलब के जमाने में अपने बदल जाते हैं। जिस पे करो भरोसा ज्यादा वही अपने घर को जलाते हैं। संसार में आप जिस पर जितना भरोसा करोगे मौका आने पर वही आपके घर को जला देंगे। ध्यान रखना, आप अगर सुखी से रहते हैं, अगर आपका घर का चूल्हा जल रहा है तो एक नहीं हजार लोग पूछेंगे भैया भोजन कर लो। और अगर आपके घर का चूल्हा नहीं जला, आपके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है तो आप नहीं हजार, एक नहीं हजार घर में जाना मगर कोई आपको रोटी की नहीं पूछेगा। इस जमाने की हालत होती है। लोग अपने दुख को देख करके दुखी नहीं होते हैं। अगर किसी को देख लिया कि ये बड़ा अच्छे आनंद से रहता है तो उसे देख करके जलना शुरू हो जाते हैं। और जो आपसे जलते होंगे प्यारे, अगर आपके घर में आग लग जाए ना तो जो आपको चाहने वाले होंगे वो जल वहां डालेंगे, वो पानी वहां डालेंगे जहां सबसे ज्यादा
आग लगी होगी और जो आपसे जलने वाले हैं वो पानी बाहर डालेंगे जहाँ की आग बुझ चुकी होगी, क्योंकि अगर बाहर अगर आग लगी बाहर पानी डालेंगे तो बुझ जाएगी, इसका घर थोड़ा बच जाएगा। आपको चाहने वाले लोग होंगे वो आपकी बुझाने की कोशिश करेंगे आग को, आपके जलने वाले लोग जो होते हैं बुझी हुई आग पर जल डालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने और पराए पहचान तब आते हैं जब कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। इस बेरहम दुनिया में कौन किसका होता है, परछाई भी साथ छोड़ जाती है जब अंधेरा होता है। अपनी खुद की परछाई साथ छोड़ जाती है जब अंधेरा का वक्त आता है, और जब जीवन में अंधेरे का वक्त आता है तो अपने भी बदल जाते हैं। दुख तब होता जब गैर ठोकर देते, तब दुख नहीं होता, दुख तो हमें तब होता है जब अपने ही ठोकर लगाते हैं। एक काम करने वाली बाई के लड़का को एक कांच का टुकड़ा मिला। कांच का टुकड़ा लेकर के उसने अपनी माँ को दिया, लेकिन माँ को कुछ संदेह हुआ, माँ ने उस कांच के टुकड़े को लिया और फेंक दिया। फेंकने के बाद सोचने लगी कि मैं दुकानदार के पास जाती हूँ। एक दुकानदार के पास मैं पहुंची, जवाब दिया है भैया इस कांच के टुकड़े की क्या कीमत है। कपड़े वाली दुकान पर पहुंची है तो कपड़े वाले भैया ने कहा है कि हे माँ, मैं तुझे इस कांच के टुकड़े के बदले में 1 मीटर कपड़ा दे सकता हूँ। माँ ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। वो वहां से कांच का टुकड़ा लेकर के गई, एक सब्जी वाले के पास पहुंची, कहा भैया इसके बदले में तू हमें सब्जी कितनी दे सकता है। सब्जी वाले भैया ने कहा हे माँ, मैं इस कांच के टुकड़े के बदले में तुझे 2-3 किलो सब्जी दे देंगे। बोले इससे भी काम नहीं चलेगा। अब वो माँ एक सुनार के पास में पहुंची, सुनार से कहा भैया इस कांच के टुकड़े की तू कीमत क्या लगा रहा है। सुनार कहने लगा अरे पगली माँ, इस कांच के टुकड़े को तू लेकर के फिर रही है, इस कांच के टुकड़े से तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे कांच के टुकड़े न जाने कितने पड़े होंगे। आज माँ वहां से चली आई, उसने वो कांच का टुकड़ा लिया और जौहरी के पास में पहुंची जो हीरे की पहचान जानता है। उस जौहरी के पास में जब पहुंची तो जौहरी से जाकर के कहा दादा ये बता दे कि इस कांच के टुकड़े की कीमत क्या है। जौहरी ने कहा है कि हे भैया इस कांच के टुकड़े की तो कीमत इतनी है कि मैं अपनी सारी हस्ती भी तुझे दे दूं, लेकिन फिर भी इस कांच के टुकड़े के बराबर नहीं हो सकती। और उस जौहरी ने भी कांच का टुकड़ा लिया और वो फेंक दिया, और जैसे ही फेंका तो कांच के 2 टुकड़े हो गए। एक विद्वान ने जाकर के उस कांच के टुकड़े से पूछ लिया भैया छोटे से बालक ने तुझे फेंका तब तू नहीं टूटा, उस माँ ने तुझे फेंका तू तब नहीं टूटा, उस कपड़े वाले ने फेंका तब तू नहीं टूटा, सब्जी वाले ने तुझे फेंका तब नहीं तू टूटा, उस सुनार ने तुझे फेंका तब नहीं तू टूटा, लेकिन जौहरी ने तुझे फेंक दिया तो तू टूट क्यों गया। कांच का टुकड़ा कहता है कि हे भैया ना तो वो छोटा सा बालक जानता था कि मैं हीरा हूँ, ना ही वो माँ जानती थी कि मैं हीरा हूँ, और ना ही वो सब्जी वाला जानता था कि मैं हीरा हूँ, ना ही वो कपड़े वाला जानता था कि मैं हीरा हूँ, और ना ही वो सुनार जानता था कि मैं हीरा वाला हूँ, मैं हीरा हूँ। लेकिन जौहरी खूब अच्छी तरीके से जानता था कि मैं हीरा हूँ, लेकिन फिर भी इसने मुझे फेंक दिया है, इसलिए मैं टूट गया। कि लोग सब कुछ जानने के बाद भी जब अपने रिश्तों को खराब कर देते हैं तब रिश्ते वो टूट जाते हैं। प्यारे संसार में आने के बाद 2 चीजें जरूर कमा के लेकर के जाना, एक तो दूसरे का सम्मान और दूसरी बात धर्म। सम्मान करोगे तो सम्मान पाओगे, धर्म करोगे तो परलोक में साथ जाएगा। अगर सम्मान आप किसी का करेंगे तो आपका भी सम्मान करने वाला कोई ना कोई तैयार खड़ा है। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो सम्मान पाने की इच्छा मत रखना, क्योंकि संसार के लोग बड़े चालाक हैं। अगर आप किसी
जी का अपमान करेंगे तो अपमान ही आपका ही होगा, अगर आप किसी का सम्मान करेंगे तो सम्मान भी आपको भरपूर मिल जाएगा। संसार में आने के बाद दो चीजें जरूर कमाना। परीक्षित जी, मकान बनाने में देर नहीं लगती, अगर पैसा है तो बना सकते हो। सरिया लेकर के आओ, ईंट लेकर के आओ, बालू लेकर के आओ, गिट्टी लेकर के आओ, सीमेंट लेकर के आओ, लेबर लगा दो, दो चार महीने में तो दो चार मंजिल खड़ा हो जाएगा। लेकिन घर बनाने में सारी जिंदगी लग जाती है। घर कौन होता? घर वो होता है जिस घर में चार भाई हैं और चारों भाई शाम को बैठ करके, आपस में बैठ करके एक थाली में भोजन करते हैं, एक एक भाई दूसरे भाई की बात को मान करके चलते हैं। घर उसे कहते हैं जिस घर में प्रेम होता है। घर उसे कहते हैं जिस घर में एक दूसरों की विचारधारा एक दूसरों से मिलती उलती होती है, उसे हम घर कहा करते हैं। आज मैंने देखा कि घर में दो भाई हैं तो एक भाई की रास्ता इधर को जा रही है तो दूसरे की इधर को जा रही है। एक कहता है कि सामने नीम खड़ा है तो दूसरा आता कहता है कैसे तू नीम बता रहा है, ये आम खड़ा है। पेड़ पर निमोरी लगी है लेकिन वो कहता है, कौन कहता है इस पे तो देखो कितने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। आजकल तो हमारी विचारधारा ही नहीं मिल पा रही है। कहते हैं ना भारत माँ के अभी अधूरे सपने हैं। संसार में गैर तो भला अपने होवेंगे कब, लेकिन यहाँ पर तो अपने ही अपने नहीं हैं, अपने ही अपने को खाए जा रहे हैं। कहते कोई कहता है कि ये हमारा नहीं है तो कोई कहता है कि ये हमारा हो गया है। एक कवि लिखता है, बिना साजिश से कोई काम नहीं हो सकता है। एक कवि कहता है, चपले
यहाँ तो अपने ही अपने नहीं है, गैर भला अपने होने क्या है। लेकिन भगवान जिससे प्रेम करते हैं उससे भरपूर निभाते भी हैं। द्रौपदी की एक ही पुकार पर भगवान वहां से भागे और जहां द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था वहां पर प्रभु पहुंचे। एक तरफ से दूसरा संसारी को खींचता है तो दूसरी तरफ से भगवान बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। सभी भाव से बोलेंगे और जिसे भी नृत्य करना हो वो कर ले। कन्हैया नंगे We'll be right back.
भगवान ने जाकर के द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाया, एक तरफ से साड़ी दूसरा सन खींचता है तो दूसरी तरफ से भगवान साड़ी बढ़ा रहे हैं। साड़ी के ढेर से लग गए, जब उनके शरीर से साड़ी नहीं हटी तो दूसरा सन हार मान करके दूर खड़ा हो गया। भगवान श्याम सुंदर सबके सामने पहुंचे, भगवान कहने लगे तुम लोगों को शर्म नहीं आती है जो एक नारी को और सभा के बीच में नगिन करना चाहते हो। भगवान कन्हैया वहां से चले जाते हैं। दूसरा दिन हुआ, भगवान वापस लौट करके आए, एक बात कही है दुर्योधन से, हे दुर्योधन तुमने इन पांडवों का सब कुछ ले लिया है, ज्यादा कुछ नहीं, पांच पांडव है, पांच गांव दे दो रहने के लिए। दुर्योधन कहने लगा हे कन्हैया मैं इन पांडवों को पांच सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा, और तुम पांच गांव की बात करते हो, अगर इन्हें कुछ लेना है तो हमसे आकर के युद्ध करें। भगवान कन्हैया ने कहा है कि भैया युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ध्यान रखना भैया युद्ध क्षेत्र में अगर युद्ध करने के लिए कोई अपना भी आता है तो उसे भी दुश्मन की नजर से देखा जाता है। भगवान कहने लगे युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। दुर्योधन कहने लगे अगर लेना कुछ है पांडवों को तो हमसे युद्ध करेंगे, क्योंकि उनको अपने ऊपर अहंकार था कि मैं 100 हूं और ये 5 है। लेकिन ध्यान रखना जब एक हाथी को अपने ऊपर घमंड होता है तो वो हाथी जो होता है एक चींटी का भी बाल बांका नहीं कर सकता है, चींटी भी हाथी को परास्त कर देती है। भगवान ने कहा कि अगर युद्ध करना है तो करो, मगर एक तरफ से मैं सारथी बनकर के आऊंगा, मैं पूरे महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ से हमारी सारी सेना आएगी। भगवान वहां से चले गए, सैन कक्ष में सैन करने लगे, दुर्योधन वहां से चला भगवान के सर की तरफ खड़ा हो गया। अर्जुन चले तो अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ खड़े हो गए। भगवान की जब निद्रा खुली है तो भगवान की नजर सीधे अर्जुन के चेहरे के ऊपर गई, कहो अर्जुन। और अर्जुन बोलने वाले थे तो दुर्योधन कहने लगे क्यों कन्हैया मैं तो इस अर्जुन से पहले के आया हुआ हूँ और तुम अर्जुन से बातें करने लगे, हमसे बोले तक नहीं। भगवान ने टेढ़ी नजर करके जैसे ही देखा, और कहते हैं ना कि जिसकी जिसके ऊपर भगवान की ही नजर टेढ़ी हो जाए उसे भला बचाने वाला कौन है। भगवान कहने लगे हैं दुर्योधन फिर आप ही मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए। दुर्योधन कहने लगे कन्हैया तेरी तो जरूरत हमें है ही नहीं, क्योंकि तेरा तो कोई अता पता तो है नहीं कि तू युद्ध क्षेत्र में युद्ध छिड़वा दे और बीच युद्ध से भाग जाए, इसलिए मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू अपनी सारी की सारी सेना मुझे दे दे। भगवान ने सेना तो दी है दुर्योधन को, और अर्जुन से कहा अर्जुन तुम मांग लो क्या चाहते हो। अर्जुन कहने लगे हे प्रभु मैं तो कई एक जन्मों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि मुझे भगवान की शरण कब मिले, मुझे स्वयं और स्वयं तुम्हारी शरण चाहिए, और मुझे दुनिया की धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमारे रथ पर हमारे सारथी बनकर के रहिए, युद्ध करने के लिए मैं बहुत काफी हूँ। भैया पांडवों की तरफ से भगवान सारथी बनकर के चले। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों लंग की सेनाएं पहुंच गई हैं। पांडवों की तरफ बड़े बड़े धुरंधरी महारथी हैं, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं, भीष्म पितामह हैं, अश्वत्थामा हैं, अन्य ऐसे महारथी हैं जो आज कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए चले, लेकिन पांडव पांच के पांचे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाएं पहुंची, युद्ध होने लगा, पांडव पांचों के पांचों हैं, लेकिन दुर्योधन की सारी सेनाएं मारी गई। युद्ध चलते 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 जब युद्ध का 11वां दिन आया है, अर्जुन को फंसाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। भगवान कन्हैया समझ गए, भगवान कन्हैया ने अर्जुन को लिया, रथ पर बैठाल करके युद्ध क्षेत्र के बाहर लेकर के गए। अब इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चला। अभिमन्यु को जब गर्भ के अंदर अभिमन्यु थे उस समय अर्जुन ने
अभिमन्यु की माँ को पूरी कहानी, जो चक्राव्यूह को तोड़ने की जो कहानी थी पूरी सुनाई, लेकिन जब अंतिम द्वार तोड़ने की कहानी आई है तो माँ सुभद्रा सो चुकी थी। भैया छह द्वार तो तोड़ लिए, सातवें द्वार को तोड़ना नहीं जानते थे। छह छह महारथियों ने जा करके छोटे से अभिमन्यु का वध कर दिया। अब जब युद्ध का तेरहवां दिन आया तो पितामह ने कहा कि एक पांडव को तो मैंने मार ही मरवा ही डाला है, अब मैं अर्जुन को मारूंगा। क्योंकि पितामह जो थे इन्होंने संकल्प लिया था कि मैं जब भी लड़ने के लिए जाऊंगा तो हस्तनापुर की तरफ से लड़ने जाऊंगा। कौरवों की तरफ से लड़ने नहीं आए थे, वो हस्तनापुर के राज्य की तरफ से लड़ने आए थे और चाहते थे कि मैं अपने परिवार को आंखों से मरता और मिटता हुआ देख रहा हूं। और भैया पितामह को अर्जुन का बल भी पता था, पितामह सोचते थे कि अर्जुन मुझे मार दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पितामह पहुंचे हैं युद्ध क्षेत्र के मैदान में और जैसे ही देखा है अर्जुन को तो अर्जुन के ऊपर बाण के ऊपर बाण करना आरंभ कर दिया। एक बाण ऐसा मारा है अर्जुन के हाथ में तो अर्जुन का जो धनुष बाण है दोनों जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन नेत्र हो गए, पितामह बाण के ऊपर बाण छोड़ने लगे। भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा तो भगवान कन्हैया ने रथ के पहिए को निकाला और रथ के पहिए को निकाल करके जवाब दिया है, हे पितामह तुम क्या समझ रहे हो कि नेत्र पर तुम वार कर रहे हो, लेकिन भैया ऐसा हुआ। युद्ध क्षेत्र में अगर दुश्मन आता तो वो सगा क्यों ना हो,
लेकिन उसे दुश्मन की नजर से देखा जाता है। पुत्र जवाब दिया है, अगर कोई भी आता है युद्ध क्षेत्र के मैदान में, अपना क्यों ना हो लेकिन उसे दुश्मन की नजर से ही देखा जाता है। भैया अर्जुन ने भगवान को रोक दिया है, भगवान ने उसी समय सिकंडी को बुलाया। सिकंडी को जैसे ही पितामह ने देखा है तो सिकंडी को वरदान दिया था कि हे सिकंडी, जब तुम युद्ध क्षेत्र के मैदान में आ जाओगे तो मैं उस समय अस्त्र शस्त्र अपने हाथों से त्याग दूंगा। सिकंडी को जैसे ही देखा, अपने हाथों से अस्त्र शस्त्र पितामह ने त्याग दिए। भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन पितामह के ऊपर वार करो। अर्जुन के नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही थी। हे केशव, ये तो हमारे दादा हैं, मैं अपने दादा के ऊपर प्रहार कैसे कर सकता हूँ। भगवान कहने लगे हैं कि हे अर्जुन, अपने दादा के ऊपर तुम्हें प्रहार करना ही पड़ेगा। कन्हैया के कहने के आधार पर अर्जुन ने जब बाणों का प्रहार किया तो बाण के ऊपर बाणों का प्रहार कर दिया, पर बाणों की सैया पर आज पितामह लेट गए। प्यास लगी, कहा मुझे कोई पानी पिला दो। दुर्योधन भागता भागता महलों से पानी लेकर के आया। पितामह कहने लगे, दुष्ट तुझे तो पानी पिलाने की भी अकल नहीं है कि रड़ का पानी क्या होता है, कोई हमारे सर से तकिया लगा दे। दुर्योधन गया घर से तकिया लेकर के आया और तकिया जब लगाने लगा तो पितामह ने कहा है कि अरे दुष्ट, तुझे तकिया भी पता नहीं है कि रड़ का तकिया क्या होता है। अर्जुन को बुलाओ, जिसने मुझे ये सैया दी है वही मुझे तकिया भी देगा। ध्यान रखना भैया, अपनों से कितना भी बैर भाव के ना हो जाए लेकिन समय जब आता है तो अपनों की याद आ ही जाती है। आज पितामह को अर्जुन की याद आई। अरे एक दिना की बात, कभी समा और सर सैया तेरे ले We'll be right back.
भैया अर्जुन से कहा, अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन ने बाणों की तकिया को लगाया, एक बाण जमीन पर मारा है तो जल की धार फूट कर पड़ी मानो स्वयं गंगा मैया अपने पुत्र को जल पिलाने आ गई हो। आज विषम पितामह को जल पिलाया, महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे, आज बाणों की सहिया पर लेटे लेटे महाभारत की पूरी कहानी देख रहे। कन्हैया से कहा, केशव मैंने कभी जीवन कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिससे मुझे बाणों की सैया पर लेटने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान कहने लगे हैं कि हे पितामह, बिना कर्म के फल नहीं मिल सकता है, आपने कोई ना कोई ऐसा काम जरूर किया होगा जिसके कारण आपको इस बाणों की सैया पर लेटने का मौका मिला है। आप अपने जन्मों के बारे में देखिए, पितामह ने 104 जन्म तक की कहानी को देखा, कोई अपराध नहीं किया था। 1 से 5वें जन्म में पितामह ने एक अपराध किया था कि जब किसी देश के राजा थे, रथ पर सवार होकर के जा रहे थे तो रास्ते में देखा है कि एक सर्प है और सर्प को इन्होंने बाण की नोक से उठाया और ऐसा फेंका कि सर्प जा करके कांटों में उलझ गया। सर्प ने श्राप दिया है कि हे पितामह, अगर आपने मुझे अच्छी तरह से एक तरफ नहीं कर पाया, आपने तो मुझे ऐसा फेंक दिया कि आज मैं नुकीली धारों पर अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, अंतिम सांसें ले रहे हैं। इसी प्रकार से मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि आप भी ऐसी नुकीली धारों पर अंतिम सांसें लोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरे को दर्द देने में कितना अच्छा लगता है। बिना कर्म के फल नहीं मिल सकता। माँ सीता को दोबारा वनवास क्यों हुआ था? माँ सीता को दोबारा वनवास इसलिए हुआ था कि जब मैया का विवाह नहीं हुआ था, तब बाग में डेली एक तोता और तोती सीता और श्री राम की कहानी कहा करते थे। कहते थे कि सीता के हृदय सम्राट श्री राम बनेंगे, राम बनेंगे। सीता उस कहानी को खूब सुना करती थी, लेकिन एक दिन उस तोती से कहा है कि हे तोती, ये आज जो बात तू मुझे बता रही है, यही बात मेरी माँ को जाकर के बता। तो तोती उस समय नहीं चली, और इसी बीच में जो मुझे सम्मान किया है हमारे परीक्षित जी और हमारे श्रीमान फौजी भाई के समस्त परिवार ने मुझे सम्मान किया है, यज्ञपति महाराज जी और उनकी धर्मपत्नी जी और परीक्षित जी और उनकी धर्मपत्नी जी, मुझे सभी भक्तों ने सम्मान किया है और 101 रुपए सा हमारा सम्मान किया है और 101 रुपए से सम्मान कर रहे हैं उर्वेश कुमार ग्राम ओरनी से और 101 रुपए से सम्मान कर रहे हैं धीरज ग्राम अथैया से भानपुर से, इनके 101 रुपए से ये मुझे सम्मान कर रहे हैं। ऐसे भक्तों का एक बार जोर से तालियों से स्वागत करिए।
परीक्षक महाराज और यज्ञपति महाराज जी ने मुझे फूलों का हार पहना करके सम्मान किया है। मैं तो भगवान से कामना करना चाहूंगी इन्हें हर समय सम्मान प्राप्त हो, हर जगह इनका भगवान कभी भी किसी जगह पर सम्मान कम न होने देना और धर्म के लिए ऐसे ही हमेशा आगे को हाथ बढ़ते रहे। की फरमाश थी कि एक लाइन कारक की सुना दीजिए। तो एक लाइन सुनेंगे, उसके बाद में कथा आगे सुनेंगे। आरे करिया करिया जो बाणों की सैया पर लेटे हैं। मैं बताना चाहती थी कि कर्म के अनुसार फल मिलता है। पितामह ने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कार्य किया है जिससे बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। मां सीता को दोबारा वनवास मिला था गर्भावस्था में, क्योंकि जब माँ सीता की बड़ाई करती थी एक तोता और तोती, तो एक दिन माँ सीता ने कहा कि तू हमसे तो कहती है लेकिन यही बात मेरी माँ से चल करके कह। तोती उस समय गर्भवती थी, माँ जानकी ने कहा तोती जान
सुनाने के लिए तैयार नहीं हुई तो जबरदस्ती उसने पकड़ करके और माँ सुनैना के पास लेकर के पहुंची। तोती ने श्राप दिया है कि हे सीते, गर्भावस्था में तूने हमारे पति से हमें बिछुड़ा दिया है, तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब तू गर्भावस्था में होगी तब तेरी भी पति से भेंट नहीं होगी, तू भी पति से अलग हो जाएगी। कर्म के अनुसार फल मिलता है, जैसा कर्म है वैसा ही फल है। कर्म आपका अच्छा है तो आपका फल भी अच्छा होगा, और कर्म ही अच्छा नहीं है तो फल भी अच्छे की लेने की चेष्टा मत करना। आज भैया पिता माँ बाणों की सैया पर लेटे हैं, युद्ध चलते 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 इतना भयंकर युद्ध होने लगा। अब तो भगवान कन्हैया ने माँ कुंती से कहा कि अगर कर्ण के पास में सूरदेव के दिए हुए 5 बाण रहे तो कर्ण अर्जुन को वेशक मार देगा। कुंती मैया कर्ण के पास में पहुंची, कर्ण से कहा है कि हे लाल, मैं तुझसे दान मांगने आई हूं। कर्ण कहने लगे, आप हैं कौन? माँ कुंती ने कहा है कि हे कर्ण, मैं तेरी माँ हूं। कर्ण कहने लगे, आज दिन तक हमारी माँ ने कभी शकल नहीं दिखाई कि आज मेरी माँ आज मेरे पास कैसे आ गई? कुंती ने जवाब दिया है कि हे लाल, मैं हकीकत में तेरी माँ हूं। कर्ण कहने लगे, हे माँ, मुझे पता है कि आज तू माँ बनने के लिए आई है, तू हमसे 5 बाण मांगने नहीं आई। मुझे पूरा का पूरा भरोसा है तू हमसे अर्जुन के प्राण मांगने आई है। माँ, अगर तू हमारी माँ होती तो मुझे तूने माँ का प्यार क्यों नहीं दिया? अगर तू माँ होती तो जिस अवस्था में बच्चे को माँ की जरूरत होती है उस अवस्था में तूने मुझे माँ अपना प्यार क्यों नहीं दिया? माँ कुंती ने कर्ण की कलाई को पकड़ा और कर्ण से एक बात कही, बेटा उस समय में मजबूर थी, मैं तुझे माँ का प्यार नहीं दे सकी। कर्ण कहने लगे, हे माँ, फिर तो माँ कहलाने का अधिकार भी मुझे कोई नहीं है, क्योंकि तूने कभी भी मुझे माँ का प्यार नहीं दिया। आज मैं तुझसे कुमाता भी कह दे तो मुझे पाप नहीं लगेगा। माँ कुंती कहने लगी, कर्ण, अगर मैं तुझे जल में नहीं बहाती तो तू हमारा पुत्र था। जल में क्यों बहाया? तो माँ कुंती बोली, लाल, कि वो आया समय ऐसा है ना था, और हरी परस मेरी क्वारी थी, और जब जन्म दिया था मैंने अपने गर्भ से, उस समय में कर्ण कुआरी थी। हे कर्ण, जब मैंने तुझे जन्म दिया उस समय मेरी अवस्था कुआरी थी, मैं कुआरी थी इसलिए इस भेद को किसी को बता नहीं पाए। और तू ऐसे जब का प्यारा था, और जिसे चिप्या पीने नहीं देती, और बेटा कह देती मैं तुझे तो ये दुनिया जीने नहीं देती। हे कर्ण, अगर मैं तुझे बेटा कह देती तो ये समाज के लोग मुझे जीने नहीं देते। कर्ण कहने लगे, हे माँ, मैं तुझसे माँ कैसे कहूँ? कि पैदा भया आँख मूंद ओ पियो नाई तेरा दूध, और पाँचों के पालने किया सही मिटाई है, और कैसे मैं धारू धीर दीनों है कलेज पीर, माता की ममता तेने सब ही गमाई है। हे माँ, मैं तुझसे कैसे माँ कहूँ? तूने तो माँ का प्यार ही मुझे नहीं दिया। और कर्ण माँ कुंती से कहते हैं, हे माँ, कि मालूम कैसे
से तू मेरी माँ है और बेटे पतिया मुझको और बेटे पतिया मुझको और दर्जा नहीं है और तेरे दूध का मुझ पे दर्जा नहीं है तेरे दूध का भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा कब जिंदगी यही है तो फिर जिंदगी में क्या कब जिंदगी यही है तो फिर जिंदगी में क्या हे मां ममता का नाता हमसे बाढ़ मांगने आई है ले ये मैं 5 बाढ़ तुझे दे रहा हूं लेकिन मां मैंने फर्ज अपना बड़े का निभाया जिसने जो मांगा मैंने उसको वही दे दिया जिसने जो पांचों रहेंगे तेरे पुत्र पांचों रहेंगे पानी तेने में पानी तेने में लड़ जा नहीं है तेरे दूध पांच में लड़ जा नहीं है तेरे दूध कसूर की दी है मुझे सजा भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा अब जिंदगी यही है तो फिर जिंदगी अब जिंदगी यही है तो फिर कर
करड़ ने पांच बाण दे दिए। माँ कुंती लेकर के चली, करड़ कहने लगे, माँ मुझे पता था कि तू हमसे पक्का बाण मांगेगी, आज तू बाण नहीं अर्जुन के प्राण मांगने आई, लेकिन माँ मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ कि तेरे पांचों के पांचों पुत्र रहेंगे लेकिन तेरा छठा पुत्र नहीं रहेगा। माँ कुंती वहां से चली है, भैया आज द्रोणाचार्य को देखा है तो दुर्योधन को द्रोणाचार्य के ऊपर कुछ संदेह हुआ तो अपना सेनापति जो है वो कर्ण को बना लिया। कर्ण जब युद्ध करने के लिए चले हैं, युद्ध का सत्रहवां दिन था, कर्ण युद्ध करने के लिए जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, भगवान कन्हैया अर्जुन के द्वारा कर्ण को वहां पर लेकर के पहुंचे जहां कर्ण को श्राप लगा हुआ था। कर्ण का रथ का पहिया जो है वो दलदल में फंस गया। कर्ण अपने रथ के पहिये को निकालने लगे। भगवान कन्हैया ने कहा है कि हे अर्जुन, कर्ण के ऊपर बाण कर दो। आज कर्ण के ऊपर जब वार किया है तो कर्ण कहने लगे, हे अर्जुन तुम ये क्या कर रहे हो, नियत्थे पर वार कर रहे हो। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे भैया कर्ण, आज तू नियत्थे की बात कर रहा है, आज तू धर्म की बात कर रहा है, अगर यही धर्म की बात तुझे कहीं पहले याद आ जाती तो इतना बड़ा इतना लंबा ये महाभारत युद्ध नहीं होता। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब एक नारी को व्यजित किया गया, उस समय धर्म कहाँ गया जब एक छोटे से अभिमन्यु को एक एक नहीं दो दो नहीं छह छह महारथियों ने मार दिया था, और आज तुम धर्म की बात कर रहे हो। कर्ण कहने लगे, हैं अर्जुन मुझे मेरे रथ के पहिए को निकालने दो, उसके बाद में जितना चाहो युद्ध कर लेना, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। लेकिन भगवान कन्हैया कहने लगे है कि हे कर्ण, आज तो याद धर्म की आई है जब तेरे अंत समय आए गए है, अरे उस दिन अगर तुझे कहीं धर्म की याद आ जाती तो ये महाभारत की लड़ाई नहीं हुआ होती। कर्ण कहने लगे, प्रभु मैं क्या करता, हमसे बड़े बड़े न जाने कितने राजा लोग बैठे, जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मेरी हिम्मत कैसे बन सकती थी। भगवान ने अर्जुन के द्वारा कर्ण के ऊपर प्रहार करवाया, कर्ण का शरीर जो है बाणों से छन्नी कर डाला। भगवान जब कर्ण जो है अधीर होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े तो भगवान कन्हैया कर्ण से दान मांगने चले। कर्ण मुझे सोने का दान दे दो। कर्ण कहने लगे, प्रभु मैं सोने का दान तो दे देता लेकिन सोना मेरे पास यहाँ है नहीं। भगवान कहने लगे, कर्ण मैंने तेरा बहुत बड़ा नाम सुना है, तू मुझे दान दे। कर्ण ने अपने दांत को उखाड़ा और धुल करके भगवान को सोने का दान दे दिया। कर्ण ने अपनी अंतिम श्वासें ले ली। आज भगवान कन्हैया कर्ण को लेकर के वहां पर पहुंचे जहां सबकी अर्थियां जलाई जा रही थी। माँ कुंती ने जैसे ही कर्ण को आता हुआ देखा, माँ कुंती फपक फपक करके रोने लगी। आज अर्जुन कहने लगे, माँ क्या बात है, अरे हम तो जानते थे कि तू देख करके बड़ा हंसेगी, आपको अच्छा लगेगा लेकिन आप तो रो रही हो। हे माँ, अर्जुन बोले हैं, Oh!
से ही कहा। माँ कुंती कहने लगी, बेटा अर्जुन ने कहा, माँ हमसे गलती क्या हो गई? कुंती कहने लगी, हे लाल, जिसे तू आज दिन तक दुश्मन समझता था, ये दुश्मन तेरा भैया है, दुश्मन नहीं है। अर्जुन कहने लगे, माँ तेरी जैसी माँ किसी को ना दे भगवान, क्योंकि तू आपस में भाई भाई को लड़ता हुआ देखती रही, तूने एक बार भी ये नहीं कहा कि हे अर्जुन ये कर्ण तेरा भाई है। अगर एक बार भी माँ तू कह देती तो मैं भैया के ऊपर कभी प्रहार नहीं करता। धर्मराज ने हर नारी जाति को श्राप दिया है कि नारी के पेट में कैसी भी बात हो कभी छुप नहीं सकती है। धर्म ने कहा कि हे माँ, अगर ये बात कही तूने पहले मुझे बता दी होती तो अर्जुन के हाथ से कर्ण की मृत्यु नहीं होती। आज के बाद हम हर नारी जाति को श्राप दे रहे हैं कि नारी के पेट में कैसी भी बात हो कभी छुप नहीं सकती है। कैसी भी हो, कितनी भी गहरी हो, लेकिन नारी जब तक एक दूसरे से कह नहीं देगी तब तक शांति से बैठ नहीं सकती है। भैया कर्ण का अंतिम संस्कार किया। भीम ने दुर्योधन की अपनी गधा के द्वारा जंघाएं तोड़ डाली। अश्वस्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, दुर्योधन का मित्र है, जवाब दिया, भैया तेरी जंघाएं किसने तोड़ी? बोले, हमारी जंघाएं भीम ने तोड़ी है। हे मित्र, अगर तू पांडवों के सर काट करके मुझे दिखा दे तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। अश्वस्थामा वहां से गया जहां द्रौपदी के पांच पुत्र सो रहे थे, पांचों पुत्रों के सर काट करके लेकर के आया। भैया जैसे ही देखे हैं दुर्योधन ने, दुर्योधन को श्राप लगा था कि जब तुझे हर्ष और शोक एक साथ में होगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। पहले तो देखा है कि पांडवों के सर है तो बड़ा खुश हुआ, और जब देखे हैं कि ये पांडवों के सर नहीं, ये तो उनके पुत्रों के सर है, तो बहुत ही दुखी हो गया। उसी समय इसका अंतिम समय आ गया, दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद द्रौपदी ने जाना है कि गुरु के पुत्र अश्वस्थामा ने हमारे पुत्रों के सरों को काटा है, तो भगवान ने इसे पकड़वा करके अर्जुन के द्वारा इसकी दाढ़ी मूछ कटवा करके इसके मस्तक से मणि को निकलवा करके धक्का मार करके सभा से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। अश्वस्थामा ने प्रण किया कि मैं भी इन पांडवों के कुल में कोई ऐसा नहीं रखूंगा जो इन्हें अंतिम समय में जल देने वाला हो। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है वो गर्भवती थी, उत्तरा के ऊपर आज ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही उत्तरा ने आगे के अंगारे को आता हुआ देखा, वैसे ही माधव माधव कह करके चिल्लाने लगी। प्रभु ने अर्जुन को साथ लिया, उत्तरा के पास में पहुंचे। अर्जुन ब्रह्म अस्त्र चलाना भी जानते थे और ब्रह्म अस्त्र को शांत करना भी जानते थे। अर्जुन के द्वारा ब्रह्म अस्त्र को शांत करवाया। अब उत्तरा के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ, तो उसी बालक का नाम परीक्षित रखा गया। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित का जन्म हुआ, घर में बड़ी खुशी है, बधाइयां बज रही है, सभी भाव से बोलेंगे के बधाइयां।
वो भी नृत्य करना चाहे वो कर ले। Thank you.
परीक्षित का जन्म हुआ, धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए तो परीक्षित का विवाह हुआ वासुकी की कन्या नवलदे के साथ में। इधर भगवान कन्हैया महाभारत पूर्ण कराने के बाद जब चले तो सबसे पहले गांधारी के पास पहुंचे। गांधारी बुआ, हमसे कोई वरदान मांग लो। गांधारी कहने लगी, अरे कन्हैया मैं तुझसे वरदान क्या मांगू, मैं तो तुझे श्राप देना चाहूंगी। क्यों? जवाब दिया है कि अरे कन्हैया अगर तू चाहता तो हमारा परिवार विनाश नहीं होता, तू सब कुछ देखता रहा, हमारे परिवार को आपस में लड़ा और झगड़ा करके समाप्त करवा दिया। हम तो तुझे श्राप दे रहे हैं कि जिस प्रकार से तूने हमारे वंश का विनाश करवाया, इसी प्रकार से तेरा वंश आपस में लड़ और झगड़ करके समाप्त हो जाए। कुंती बुआ के पास में पहुंचे, कहा बुआ हमसे वरदान मांग लो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। कुंती कहने लगी, हे कन्हैया मैं तुझसे वरदान क्या मांगू, अगर तू देना चाहता है तो मुझे ये वरदान चाहिए कि संसार में जितने दुख हो सारे के सारे दुख तू हमें दे दे, क्योंकि मैं दुखों को सहन करना चाहती हूँ। भगवान कहने लगे, बुआ तूने ये वरदान दुख क्यों मांगे? बोले दुख इसलिए मांगे हैं कि जब किसी के ऊपर दुख नहीं रहते हैं तो तुझे भूल जाते हैं, अगर हमारे ऊपर दुख रहेंगे तो मैं तेरा नाम हर समय लेते रहेंगे, इसलिए हे कृष्ण मुझे केवल और केवल दुख चाहिए। जब भगवान चले हैं तो कुंती रोने लगी। चला लगे तो हम
आज भगवान कन्हैया ने कहा, बुआ मैं रहूं या चला जाऊं, मगर ये सामरी सी सूरत तुम्हारे आंखों से कभी ओझल हो नहीं सकती है। आज भगवान बुआ को आश्वासन देने के बाद वहां से चले गए। जब अर्जुन को पता चला है कि भगवान मुझे छोड़ करके चले गए, तो अर्जुन ने कुंती को तो विदुर काका के पास छोड़ दिया और द्रौपदी को साथ लिया। पांचों पांडव आज हिमालय में जाकर के अपने जीवन की लीला को शांत करते हैं। धर्मराज का केवल और केवल अंगूठा गला है, क्योंकि धर्मराज ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, कभी किसी के साथ छल नहीं किया था, कपट नहीं किया था, लेकिन एक थोड़ा सा झूठ था, वो भी झूठ नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने सुनने नहीं दिया था। जब द्रोणाचार्य भयंकर युद्ध कर रहे थे, तो भगवान कन्हैया ने कह दिया है कि हे द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, और जैसे ही जाना कि हमारा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, धनुष बाण जमीन पर डाल दिए, कहने लगे, क्या कह रहे हो केशव? कृष्ण ने कहा है कि हाँ द्रोणाचार्य जी, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य जमीन पर गिर पड़े, कहने लगे, हे कन्हैया, मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं है, धर्मराज को बुलाया जाए। धर्मराज को जब बुलाया गया, तो धर्मराज से पूछा, धर्मराज तुम बताओ, क्या हमारा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? उस समय एक हाथी मारा गया था। तो धर्मराज ने कह दिया, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन और लेकिन परंतु जहां लग जाए तो कुछ न कुछ उसमें छुपा हुआ होता है। बोले, लेकिन नरों का नाम लिया है तो सुन लेने दिया, और कुंजरा का नाम लिया है तो भगवान ने शंख बजा दिया है, सुनने नहीं दिया। द्रोणाचार्य समझ गए, लगता हमारा पुत्र अश्वत्थामा ही मारा गया। द्रोणाचार्य का अंतिम समय आ गया। यही थोड़ा सा उन्हें कपट और पाप लगा हुआ था, वो भी कभी झूठ नहीं बोला था, भगवान श्री कृष्ण ने शंख की आवाज से वो बात सुनने नहीं दी ठीक तरीके से, इसलिए धर्मराज का, चारों पांडवों का शरीर गल गया, द्रौपदी का शरीर गल गया, लेकिन धर्मराज का शरीर नहीं, केवल और केवल पैर का अंगूठा गला है। और इसीलिए तो आज भी धर्म जिंदा है, धर्म आज भी जिंदा है। जहां धर्म है, वहां आप देखते होंगे कि लोग न जाने कितने कितने दूर से आते हैं। तीर्थ स्थल में जाकर के जो धर्म करने के लिए लोग जाते हैं, उनकी भावनाओं को देखो, और जो वैसे लोग होते हैं वो तो अपना जो कार्य करेंगे वो करेंगे, लेकिन धर्म के प्रति जिसके ज्यादा हाथ बढ़ेंगे, जिसकी श्रद्धा ज्यादा होगी, समझ लेना वो सच्चा भगवान का कोई भक्त हो सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये इसी बीच में यशवीर सिंह ग्राम असदपुर से आए हुए हैं, इनकी तरफ से 50 रुपए आए हैं, और दो लाइन आल्हा की सुनना चाहते हैं। और इस प्रकार से भगवान जो है माँ कुंती को आश्वासन देते हैं कि हे कुंती, तुम चिंता मत करो, हे बुआ तुम चिंता मत करो, तुम जब कन्हैया को जहाँ बुलाओगे कृष्ण तुम्हारे सामने रहेगा। कृष्ण कभी किसी से दूर नहीं है, कृष्ण वहाँ रहता है जहाँ पर लोग उनके लिए प्रेम से परोस करके थार रखते हैं, कृष्ण वहाँ रहता है जहाँ उन्हें प्रेम से बुलाया जाता है। हे बुआ, इसलिए आप चिंता मत करो, जब जब आप हमें बुलाएंगे हम आपके समक्ष जरूर आएंगे। इस प्रकार से भगवान ने महाभारत पूर्ण कराया है, और पूर्ण कराने के बाद भगवान सुधाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबारी की जय।
और आज की कथा का यहीं पर विराम है। दो लाइनें आल्हा में सुनते हैं। कल की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, जिसमें भोले बाबा का विवाह और ध्रुव चरित की कथा बहुत ही सुंदर है, जो सृष्टि का वर्णन की कथा है, बहुत ही मार्मिक कथा है। सभी से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर भगवान की कथा को सुन अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। देखते हैं दो लाइनें आल्हा में। जब उदल को एक गंगिया नाम की जादूगरनी ने तोता बना करके पिंजड़े में टांग लिया है, तो एक दिन उदल उस पिंजड़े से कैसे निकले हैं जरा ध्यान देंगे। वापस लौट गई। इधर उदल जो तोते के रूप में है, गजमोतिन के भवन के पास में ऊपर बैठ गए, और गजमोतिन ने जैसे ही देखा तो विचार करने लगी।
कहा। गजमोद ने अपने पति मलखान को बुलाया और कहा, जा अपने भाइयों की रक्षा करके आओ। मलखान कहने लगे हैं, गजमोतन एक और कोई ऐसा वैसा शहर नहीं है, वही खान बतासा नहीं है जो घोर करके सर्वत बना करके पी लिया जाए। गजमोतन कहने लगी, तुम कैसे सूरवीर हो? गजमोतन ने कहा, सुनो का यहीं पर विराम है। कल की कथा के बारे में आपको बता ही दिया है। सभी भक्त खड़े हो जाएं और हाथ जोड़कर भगवान की आरती करें। जो भी करें बारी बारी से आ जाए। अभी 5 लोग हाथ लगा लीजिए। अपना
दरबार की, भागवत महापुराण की, परीक्षित महाराज की, सुखदेव महाराज की, व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की, शंकर भगवान की, गणेश भगवान की, भगवंगमणि महाराज की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की, धर्म की अधर्म का, पाड़िया में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, दानदाताओं की, रसोईया भंडारी की, सनातन धर्म की, आज के आनंद की, जो बोला ताऊ की, ना बोले ताऊ की, छोटे छोटे लली ललन की, जय जय श्री राम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएं।